मोदी जी के नेता हर रोज कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता, और एक के बाद एक बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आज तक, चाहे वो वोट का अधिकार हो, जमीन, जल, जंगल, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, जो भी आपको मिला है वो आपको संविधान ने दिया है। इसके बिना देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं नहीं रहेंगे। तो ये ही सबसे जरूरी लड़ाई है। चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, मैं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। पहली बात यह है, बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले यहां पे इस जमीन पर आदिवासी लोग रहते थे। ये जमीन जो है, ये जंगल, ये जल उनका हुआ करता था। आदिवासी शब्द का मतलब यह भी है कि जो पहले मालिक थे उनको जमीन पर, जल पर, जंगल पर अधिकार मिलना चाहिए, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में, सरकार को चलाने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं, नहीं, आप आदिवासी नहीं हो, आपका नाम आदिवासी नहीं है, आपका नाम वनवासी है। ये बीजेपी के लोग 24 घंटा बोलते रहते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी ने आपको ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको हक नहीं देना चाहते, वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते, इसीलिए 24 घंटा वो आपको वनवासी कहते रहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, ये जमीन आपकी थी, ये जल आपका था, ये जंगल आपका था, ये साफ मैं कहना चाहता हूं। और हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनना चाहिए, बिजनेस में, कॉर्पोरेट इंडिया में आपको जगह मिलनी चाहिए, ऐसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अदानी को देते रहे, 24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। आप ही सोचिए, इन्होंने आपको ये नाम क्यों दिया? एक तरफ आपको कहते हैं आप वनवासी हो, दूसरे तरफ वन को, जंगल को खत्म कर रहे हैं। जब जंगल खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे, देखिए आप तो वनवासी थे, अब तो वन है ही नहीं, तो आपकी कोई जगह ही नहीं है, अब आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करो, दूसरे लोगों के गुलाम बनो,
आपको हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते, यह है उनका लक्ष्य। और आपका इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपकी हिस्ट्री है, उसको वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम आपकी भाषाओं को, आपकी हिस्ट्री को, आपके इतिहास को, इन सब चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये फर्क है हम दोनों में। और भाइयों और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं, अदानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी, रिजर्वेशन था उसमें, उसको सारे के सारे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और खुलकर कह रहे हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। ये आपकी पूंजी है, ये पब्लिक सेक्टर आपकी पूंजी है, रेलवे आपकी पूंजी है, ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं, ये अदानी के नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। आप ही मुझे बताइए, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, ये कभी आदिवासियों की बात करते हैं? कभी करते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये अरबपतियों के हैं, ये उनका काम करते हैं। ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे आपको 24 घंटा, मगर आदिवासी मर जाए, दब जाए, कुचल जाए, हाथ जोड़े, कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे आपको। क्यों? मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। पत्रकारों को देखिए, मुझे एक बता दो नाम, एक नाम नेशनल लेवल आदिवासी पत्रकार का नाम मुझे अभी बता दो, एक एंकर का नाम बता दो जो इनके स्टूडियो में बैठ के आपकी बात करता है, एक नहीं है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका कोई आदमी नहीं है, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में थे, उसको खत्म कर दिया। तो इन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया है, 22 अरबपति बनाए हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है, अगर ये 22 अरबपति बनाएंगे, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और देखना देखना, नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मतलब 22 लोगों को उन्होंने 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और जैसे ही आप देखना, जैसे ही इंडिया की गठबंधन की सरकार गरीबों को पैसा देगी, मीडिया कहेगी देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अरबपतियों को पैसा मिलता है उनकी आदत नहीं बिगड़ती, किसान को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है, मजदूर को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। पहले ही कहते थे मनरेगा देखो, मनरेगा कितनी खराब योजना है, इसमें मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। वो मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है मजदूरी के लिए, और ये कह रहे हैं नहीं, गरीबों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनके हैं, आपके नहीं है। ये 24 घंटा मोदी की फोटो दिखाएंगे आपको, ये देखो, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। आप ही अपने आप से पूछो, नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिख रही है मीडिया पे 24 घंटा आ रहे हैं, मगर आदिवासी की कोई आवाज नहीं, पिछड़ों की कोई आवाज नहीं, दलितों की कोई आवाज नहीं, किसानों की कोई आवाज नहीं, मजदूरों की कोई आवाज नहीं। ये हो क्या रहा है? मीडिया में अदानी जी दिखते हैं, अंबानी जी दिखते हैं, मोदी दिखते हैं,
गरीब कोई नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है, आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। अच्छा, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो जब आपने पार्लियामेंट हाउस खोला तो उस राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं खुलवाया? मोदी जी का काम नहीं है पार्लियामेंट खोलना, राष्ट्रपति का काम है पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करना। मोदी जी ने राष्ट्रपति जी को परे किया, राम मंदिर नहीं जाने दिया और फिर आपसे आके वोट मांगते हैं। क्या समझ रखा है उन्होंने? क्या आप इस बात को नहीं समझोगे कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का दो बार उन्होंने हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने अपमान किया है? तो ये उनकी सोच है। मध्य प्रदेश में इनके एक नेता ने आदिवासी युवा पर पेशाब किया और पूरे हिंदुस्तान में वीडियो फैला दिया। इनकी सोच बदल नहीं सकती, इनकी सोच बहुत पुरानी है। तो अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों को नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गरीबी में गिरा दिया है, उनकी लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। गरीब परिवारों में आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी होंगे। करोड़ों आदिवासी परिवारों के नाम आएंगे, उनमें से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, जैसे हमारी बहनें आई हैं। और फिर उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1,000 रुपए नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70-80,000 नहीं, साल का 1,00,000 रुपया हम डाल देंगे। आप सोचो, किसी भी पार्टी ने ऐसा काम किसी भी देश में नहीं किया। हम करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया डालने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो हमारी बहनें आई हैं, इनके खाते में हर महीना 8,500 रुपए खटाखट साल का 1,00,000। और भाइयों और बहनों, उस दिन तक पैसा जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे। जिस दिन गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तब बैंक अकाउंट में पैसा आना बंद होगा। उस दिन तक, चाहे 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, 5 लगे, 7 लगे, उस दिन तक हर महीने खटाखट 8,500 रुपए खटाखट साल के 1,00,000 रुपए 1,00,000। मतलब करोड़ों महिलाओं को लाखपति बना रहे हैं हम।
अगर वो अरबपतियों को करोड़ों रुपए दे सकते हैं, हम करोड़ों महिलाओं को लाखों रुपए दे सकते हैं। वाह। अब आप कहोगे ये महिलाएं देख रही हैं और पुरुष भी देख रहे हैं, मेरे और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं भैया आपने ये क्या किया, आप महिलाओं को दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 21वीं सदी में ये हमारी बहनें बाहर जाके काम करती हैं, पुरुष भी बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, मगर अगर बाहर स्त्री और पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो घर में महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी ना लगे, मगर अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो महिलाएं 20 घंटे काम करती हैं। घर में काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए उन 8 घंटों के लिए जो वो घर में काम करती हैं, हमारी सरकार उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने जा रही है। और मैं जानता हूं हिंदुस्तान के पुरुष बड़े होशियार हैं, ये पैसा अंत में आपके ही खाते में आएगा, आपके ही बैंक अकाउंट में जाएगा, आप दबाव डालोगे महिलाओं पे, बहनों पे, माताओं पे, मगर पैसा हम उनके बैंक अकाउंट में डालेंगे। मजदूरी मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, महिलाएं घंटों काम करती हैं, झारखंड के युवा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। योजना हमारी थी, मनरेगा हमारी योजना थी, भोजन का अधिकार हमारी योजना है, नरेंद्र मोदी जी इसको लागू नहीं करते, मनरेगा को ठीक से लागू नहीं करते, और अगर करते हैं तो 250 रुपए देते हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी मनरेगा में हम 250 रुपए नहीं देंगे, हम 400 रुपए देंगे। और आशा और आंगनवाड़ी में जो काम करती है महिलाएं, जितना भी पैसा आज आपको मिल रहा है, सरकार आने के एकदम बाद हम उसको दुगना कर देंगे, डबल हो जाएगा। किसानों को नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया, हमारी सरकार आएगी किसानों का, पूरे हिंदुस्तान के किसानों का, गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे और हिंदुस्तान के सारे किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। मतलब धान के लिए, शुगर केन के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको सही रेट मिलेगा और कानूनी सही रेट मिलेगा। बहुत सारे युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया, नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू की, अग्निवीर योजना लाए, सारे के सारे रास्ते जो आपके थे, युवाओं के थे, उन्होंने बंद कर दिए। पहले आप सेना में जाते थे, वो रास्ता बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर में आपको नौकरी मिलती थी वो बंद कर दिया। आज अगर आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब जनरल कास्ट के हो, तो ठेकेदारी प्रथा में आपको काम मिलता है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, अगर आपका चेहरा अच्छा नहीं लगा आपको निकाल देंगे। तो हम आपके लिए 2-3 चीज करना चाहते हैं। सबसे पहले सरकारों में, पब्लिक सेक्टर में ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको हम खत्म कर रहे हैं। अगर गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को सरकार में नौकरी मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, इज्जत के साथ नौकरी मिलेगी। तो ये ठेकेदारी प्रथा हम बंद कर रहे हैं। दूसरा काम, अमीर परिवार के बच्चे जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं, सरकारी ऑफिसेज में करते हैं, 1 साल की उनकी नौकरी होती है, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है, और फिर 1 साल के बाद अगर वो अच्छा काम करते हैं उनकी नौकरी वो परमानेंट कर देते हैं। ये मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को नहीं मिलता।
इसीलिए हम एक नया कानून लाएंगे, पहली नौकरी पक्की। चाहे आप आदिवासी हो, दलित हो, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, जो भी हो, कोई भी भाषा बोलो, अगर आप ग्रेजुएट हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपको हम एक पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप सरकार से नौकरी मांग सकोगे, हाथ उठा के आप कहोगे देखो मुझे इंडिया गठबंधन ने अधिकार दिया है, एक साल की नौकरी का अधिकार दिया है, सरकार को देने ही पड़ेगी। कहां मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर, हिंदुस्तान की सबसे बेहतर कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर, HAL, BHAL, ऐसी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एक साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, काम करना सीखोगे और बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। एक झटके से करोड़ों बेरोजगारों के बैंक अकाउंट में हम 1,00,000 रुपए साल के डालेंगे, 8,500 रुपए महीने के, कटाकट कटाकट कटाकट, जैसे इन महिलाओं का होगा वैसे युवाओं का होगा। और एक साल के बाद अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। करोड़ों युवाओं को बैंक में पैसा मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलेगी। और ये जो दीवार नरेंद्र मोदी ने बना रखी है हिंदुस्तान के युवाओं के सामने, जो लगा रखी है, इस दीवार को हम तोड़ देंगे, आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि दो तरीके के शहीद हों। अगर हिंदुस्तान की सेना में कोई लड़ेगा, शहीद होगा, तो दोनों को शहीद का दर्जा मिलेगा, दोनों को पेंशन मिलेगी, दोनों के परिवारों की रक्षा होगी। इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द कर रहे हैं। यह योजना आर्मी ने नहीं बनाई है, यह नरेंद्र मोदी की योजना है, उनकी ऑफिस की योजना है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। गलत GST इन्होंने लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, इस GST को भी हम बदल रहे हैं। 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, 1 टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, गरीबों पर टैक्स जिस प्रकार से ये कर रहे हैं हम उसको कम करेंगे और सिंपल बना देंगे। ये हम आपके लिए करना चाह रहे हैं। यहां पे झारखंड में आपकी मांग है, सरना कोर्ट की मांग है, उसको हम इंप्लीमेंट आपके लिए कर देंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका, आदिवासियों का और इंदिरा जी का, मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। आप एक बात समझ के चलिए कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा दिल्ली में, और जो भी आप मुझसे चाहेंगे आप मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करके आपका काम जो भी हो करूंगा। आपका जल, आपका जंगल और आपका जमीन का जो अधिकार है, उसके लिए आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं लड़ूंगा। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है, रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। ये चुनाव जो है, ये पहला चुनाव है जहां इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, इस किताब की रक्षा कर रहा है, और BJP संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। खुलकर उनके नेता कह रहे हैं
कि वो संविधान को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, फेंक देंगे। तो चुनाव में यही लड़ाई है। मोदी जी के नेता हर रोज कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता, और एक के बाद एक बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आज तक, चाहे वो वोट का अधिकार हो, जमीन, जल, जंगल, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, जो भी आपको मिला है वो आपको संविधान ने दिया है। इसके बिना देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं नहीं रहेंगे। तो ये ही सबसे जरूरी लड़ाई है। चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, मैं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। पहली बात यह है, बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले यहां पे इस जमीन पर आदिवासी लोग रहते थे। ये जमीन जो है, ये जंगल, ये जल उनका हुआ करता था। आदिवासी शब्द का मतलब यह भी है कि जो पहले मालिक थे उनको जमीन पर, जल पर, जंगल पर अधिकार मिलना चाहिए, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में, सरकार को चलाने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं, नहीं, आप आदिवासी नहीं हो, आपका नाम आदिवासी नहीं है, आपका नाम वनवासी है। ये बीजेपी के लोग 24 घंटा बोलते रहते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी ने आपको ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको हक नहीं देना चाहते, वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते, इसीलिए 24 घंटा वो आपको वनवासी कहते रहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, ये जमीन आपकी थी, ये जल आपका था, ये जंगल आपका था। ये साफ मैं कहना चाहता हूं, और हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनना चाहिए, बिजनेस में, कॉर्पोरेट इंडिया में आपको जगह मिलनी चाहिए। ऐसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अदानी को देते रहे, 24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। आप ही सोचिए, इन्होंने आपको ये नाम क्यों दिया? एक तरफ आपको कहते हैं आप वनवासी हो, दूसरे तरफ वन को, जंगल को खत्म कर रहे हैं। जब जंगल खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे, देखिए आप तो वनवासी थे, अब तो वन है ही नहीं, तो आपकी कोई जगह ही नहीं है।
अब आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करो, दूसरे लोगों के गुलाम बनो, आपको हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते, यह है उनका लक्ष्य। और आपका इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपकी हिस्ट्री है, उसको वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम आपकी भाषाओं को, आपकी हिस्ट्री को, आपके इतिहास को, इन सब चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये फर्क है हम दोनों में। और भाई और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, उनके 22-25 मित्र हैं, अदानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है, जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी, रिजर्वेशन था उसमें, उसको सारे के सारे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और खुलकर कह रहे हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। ये आपकी पूंजी है, ये पब्लिक सेक्टर आपकी पूंजी है, रेलवे आपकी पूंजी है, ये सड़कें, ये पुल, ये आपके हैं, ये अदानी के नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। आप ही मुझे बताइए, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, ये कभी आदिवासियों की बात करते हैं? कभी करते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये अरबपतियों के हैं, ये उनका काम करते हैं, ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे आपको 24 घंटा, मगर आदिवासी मर जाए, दब जाए, कुचल जाए, हाथ जोड़े, कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे आपको। क्यों? मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। पत्रकारों को देखिए, मुझे एक बता दो नाम, एक नाम नेशनल लेवल आदिवासी पत्रकार का नाम मुझे अभी बता दो, एक एंकर का नाम बता दो जो इनके स्टूडियो में बैठ के आपकी बात करता है, एक नहीं है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका कोई आदमी नहीं है, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में थे, उसको खत्म कर दिया। तो इन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया है, 22 अरबपति बनाए। अब हमने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है, अगर ये 22 अरबपति बनाएंगे, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और देखना देखना,